लोग जो खड़े हैं सुनते हैं उनके बाहर निकले, गेट बंद होने जा रहा है, टाइम समाप्त हो गया है। भाई 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 उधर रहा है भाई। गजब अंकल जी का लुक, कब पूरा होगा अपना सपना सर। ये मोटो ब्लॉगिंग फिलहाल अभी हम गौतम बुद्ध द्वार गोरखपुर में खड़े हैं और अंकित और अंकित दो अंकित का इंतजार कर रहे हैं। बंदा गए कहा, थोड़ा सा फास्ट है, हम आगे आ गए और फिलहाल एक कुछ गोरखपुर का नजारा इस तरह से है। रात की ब्यूटी और कुछ और ब्यूटी भी नजर आ रही है। ये आगे तिरंगा सैल्यूट, कितना लंबा आदमी रे बाबा। ये हमारे ग्रीन टी शर्ट में इवी ब्लॉग। ये देखो क्या बोले हो, हिंसा नहीं हिंसा नहीं। ये भाई साहब कहाँ गए? लेकिन यार एक चीज है, उतनी लाइटिंग नहीं है यार, सॉरी यार अगर थोड़ा सा लाइट में डिफेक्ट आएगा तो क्या करे, कैमरे की क्वालिटी ऐसी है। और लोग बोल अनकेत 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 रो रहा है इसके लिए। अरे मेन बैठो, एक तो दिल है दिल। अनकेत जी अनकेत जी एक ले लीजिए, एक ले लीजिए। तो लाल बंद हो गया क्या? क्या मजाक बंद हो गया मतलब? उधर तो बंद ही होगा भाई, हम तो जाएंगे बोले में। और अंकित जी क्या हाल चाल है? बढ़िया। अरे अभी तो हम लोग वहाँ सैल्यूट कर रहे थे और यहाँ आने पे फ्लैग ही गायब। सैल्यूट वापस ही लोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, सैल्यूट तो हमेशा रहेगा। अरे सामने हट जाओ, BMW आ रही है, हट जाओ बाबू हट जाओ, इतनी बड़ी गाड़ी, हटो हटो। अरे हट जाओ, इतनी बड़ी गाड़ी आ रही है, हट जाओ यार सामने से। फॉर हैप्पी लाइफ यू नो। बाय 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 उधर रहा है भाई। तालाब विश्व का सबसे बड़ा वाटर क्रॉसिंग जो कि अभी हम लोग इस समय पार कर रहे हैं। बाप रे, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लाइटिंग की व्यवस्था अभी है। सरोवर रेस्टोरेंट, मैं आ गया, मुझे लाइटिंग का नहीं मजा मन कर रहा है, लेकिन एक झुमका उमका जो बिकने लगा है ना भाई, क्या मजा का भाई, मेला मेला लग रहा है आपके यहाँ पे क्या? गोरखनाथ फेल हो जाएगा। गोरखनाथ और एक सरोवर रेस्टोरेंट खुला है आई थिंक, जो कि वाटर के ऊपर है, जो भी आई डोंट नो, आगे आने पे कवर करेंगे। और ये वही है, कितना शानदार लग रहा है। किसी आई थिंक किसी रीजन से फ्लैग को हटा दिया गया ना, झंडे को उतार दिया गया ना, क्यों रीजन क्या है? क्यों कुछ पता है क्यों उतर गया है? उधर देख के पता चल रहा उतरा हुआ है। और यहाँ अनकेत जी ब्लॉग बनाते हुए यहाँ झुमके उमके दिख रहे हैं, लेना हो तो ले लीजिएगा। मैडम जी ब्लॉग देखती होंगी ना? देखती हैं तब तो गलत, बहुत सही। कौन मैडम? आपकी मैडम। अच्छा मुझे लगा स्कूल की मैडम। नहीं मैडम कोई नहीं, नहीं नहीं आपकी मैडम। एक्चुअली हम आपको ब्लॉग में ही बताना चाहते हैं, इसका तो कोई मतलब नहीं है अपने बंदे को। अब जो मेरे कैमरा मैन है शायद उनको मतलब हो। नहीं नहीं मुझे भी नहीं है। जो भी देख रहा है अगर एक्सेप्ट करना चाहता हो तो प्लीज कर लेना। कमेंट करके बताएं, वो अपना आईडी बता देंगे इंस्टाग्राम का। यार क्या लुक है, कैसे देना भैया? 150 का 150 का दो कोई भी नहीं।
150 का सिंगल। वो 150 का सिंगल है, इसका तो हम लोग को कोई मतलब है ही नहीं। गजब है अंकल जी का लुक, एक नंबर लगाना है। अरे यार यहाँ टोटी खुला हुआ है इसको बंद बंद। रवि जिसको छू दे वो बंद हो जाता है। रवि प्रताप सिंह जिस चीज को हाथ लगा देना अगर वो खराब रहती है वो सही हो जाता है। और ये है ब्यूटी ऑफ गोरखपुर इन नाइट टाइम। अरे वही झंडा जो कि उतर चुका हुआ, कब पूरा होगा अपना सपना। सर यही चाहिए मोटो ब्लॉगिंग के लिए। एक्चुअली हम लोगों का बहुत दिन से प्लान बन रहा था घूमने का, और मैं भगवान का भी शुक्रगुजार करता हूँ कि हम लोग इतने खुश नसीब हैं। भगवान ऐसी लाइफ सबको दें और ऐसे दोस्त सबको दें कि घूमे और इंजॉय करें। ऐसे देखो लाइफ में हर चीज पैसा नहीं होता, ठीक है। पैसा बहुत लोग कमाते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है पैसा आता रहता है, लेकिन दरिद्रता नाम की कोई चीज होती है ना। मतलब मेरे मुंह से गाली निकल रहा है लेकिन मैं यहाँ ये जो बंदा है ना, हर वक्त पैसा 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 करता रहता है, लेकिन दिल का बहुत साफ बंदा है। दिल का बहुत साफ है। अगर कोई चलो दे रहे 50 रुपया बिहाइंड द सीन है, इसको कट कर दिया जाएगा। लेकिन अपनी तो बहुत पैसा पैसा है ना। हम लोग बोले जिंदगी में हर एक चीज पैसा नहीं होता, देखो नहीं बोले पैसा बांटने चलना चाहिए। मैं बात उनकी कर रहा हूँ जिनके पास अथा पैसा है लेकिन फिर भी वो दर्द की इतनी सीमा पार कर चुके हैं, कहीं घूमने नहीं जाते हैं, मतलब जो भी हो, मतलब कुछ मैं कहना नहीं चाहता हूँ। सेल्फी पॉइंट वाले चलेंगे। एक्चुअली अभी एक प्रॉब्लम तो जो अनाउंस आप सुन रहे हैं, यहाँ जो सेल्फी पॉइंट बनी है इनके लिए कि हम लोग के लिए, हम लोग भी जा सकते हैं कि नहीं। एक्चुअली हम लोग सेल्फी पॉइंट पे नहीं खड़े हैं, सेल्फी लें किस लिए भाई जब लाइफ में कोई। ये हाल नौका बिहार का, ना कोई लाइट है ना कोई कुछ है, बस ऐसे ही मरघट जैसा पड़ा हुआ है। अरे यार कम से तो भाई माशाल्लाह, हाँ भीड़ हो रही है, कम से कम इसको तो सही करो यार। कुछ नहीं, यहाँ से वहाँ तक कोई लाइटिंग की उतनी व्यवस्था नहीं है।